Hello, yes, welcome. This is Hamza Rizafar and welcome to another video. Well, this video is about this is the 50mm Sony 50mm E-mount 1.8. अभी मेरे पास फ़िलहाल तो ये 16mm 1.4 लेंस लगा हुआ है, बट मुझे एक ऐसा वर्सेटाइल लेंस चाहिए था जो कि मुझे वीडियोज़ में भी काम दे, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा ब्लर हो, ज़्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज हो। लाइक आई एम हाइब्रिड शूटर, मतलब मुझे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों ही शूट करनी है, तो 50mm इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन बजट। जो आप इसको कंपटीटर कह सकते हो वो सिग्मा का 56mm 1.4 आता है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, लेकिन वो बजट ऑप्शन नहीं है। दिस इज़ आलमोस्ट हाफ इन प्राइस एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 56mm 1.4, लेकिन इतना कोई अगर बात कर ली जाए परफॉर्मेंस की तो इतना कोई खास फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो, नॉट ए अनबॉक्सिंग वीडियो, क्योंकि मैंने ये लेंस रिव्यूज़ में ली है, तो ये मेरे लिए। और मैं इससे पहले मैं लेट्स मी टेल यू द माई गैजेट स्टोरी। सबसे पहले मेरे पास था, जो मैं ये नया शौक चढ़ रहा, आई वॉज़ इन यूनिवर्सिटी, तो आई वॉज़ इन मेडी क्लब, तो वहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि मुझे शौक था। तो सबसे पहले मैंने कैमरा लिया था D5200, उसके साथ किट लेंस था और एक लेंस मैंने एक्स्ट्रा लिया था 70-300 73.5 था आई थिंक टेवरॉन का। तो वो मुझे इतना ख़ास कोई, मतलब उस इनडोर में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो इतना वर्सेटाइल मुझे नहीं लगा। देन आई शिफ्टेड टू 50mm, चाइनीज़ कंपनी का था, मुझे कंपनी का नाम तो नहीं याद, और वो मैंने 3 साल यूज़ किया 50mm, और मैंने उसके अलावा उसी लेंस से काफ़ी सारे इवेंट्स भी किए, इवेंट प्रोफेशनल इवेंट्स भी किए, मतलब D5200 के साथ भी जुगाड़ू फुल हैवी वाले प्रोफेशनल इवेंट्स भी किए, इवन वेडिंग्स कवर की मैंने 50mm के थ्रू, और वो चाइनीज़ का था, ओरिजिनल 50mm भी नहीं था, तो 50mm से मेरी यारी पुरानी है। तो फिर वो मैंने 3 साल यूज़ किया था। देन आई स्विच टू कैनन, फिर कैनन में मैंने 50mm नहीं लिया था, कैनन पे मैंने 17-50mm लिया था। नॉर्मली 50mm तो 1.8 होता है क्योंकि वो फिक्स लेंस, लेकिन वो 17-50 वो भी सिग्मा का था F2.8, बट डेट वॉज ऑल्सो गुड। लेकिन अब भाई जब सोनी पे शिफ्ट होने के बाद, सबसे पहले मैंने 30mm लिया था, लेकिन उसका कोई मुझे मज़ा नहीं आया। देन आई स्विच टू 16mm, तो भाई 16mm की तो ये गेम ही अलग है भाई 16mm की। अब मुझे ऐसा लेंस भी चाहिए था क्योंकि 16mm से मैं मतलब पोर्ट्रेट्स तो नहीं निकाल सकता, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ निकालेगी मेरे लिए पोर्ट्रेट्स की। इसके अलावा थोड़ी मतलब ब्लर वाली, ज़्यादा अच्छी ब्लर वाली वीडियोस भी हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर इसके फीचर्स की बात कर ली जाए, सबसे पहले आपको मैं लेंस खोल के दिखाता हूँ। और अबिग शाउट आउट टू DSLR केयर, मैंने ये लेंस उनसे लिया है। नॉर्मली अभी न्यू में इसकी प्राइस आज की डेट में, क्योंकि डॉलर 172 रुपये 170 रुपये, ओपन मार्केट में 172 का हुआ पड़े, तो थैंक्स टू इमरान खान, अबिग शाउट आउट टू हिम आल्सो फॉर ब्रिंगिंग दी डॉलर टू 172। तो ये अबिग शाउट आउट टू DSLR केयर, ये मुझे मिला है 30,000 में, कंडीशन 10x10 है, मैंने चेक किए लेंस, कंडीशन 10x10 है, इसके अलावा कोई स्क्रैच नहीं है, और इसके अलावा OSS है, OSS का मतलब है ऑप्टिकल स्टेडी शॉट, मतलब स्टेबलाइजर, मतलब बिल्ट इन स्टेबलाइजर है लेंस में। इसके अलावा ई माउंट का लेंस है, मतलब इसके अंदर दो मॉडल्स आते हैं, एक FE आता है, एक ई आता है। ई आता है वो सिर्फ क्रॉप फ्रेम बॉडीज़ में, क्रॉप फ्रेम वर्सेस फुल फ्रेम, ये एक अलग डिबेट है, किसी और दिन करेंगे। तो सोनी के जो भी क्रॉप फ्रेम हैं उनको ई माउंट लेंसेज लगते हैं, तो अभी यही इन दोनों में FE और ई माउंट में यही फ़र्क है बेसिकली, एक फुल फ्रेम के लिए और एक क्रॉप फ्रेम के लिए। इवन जो फुल फ्रेम वाला वो क्रॉप फ्रेम पे भी लग जाता है। तो अगर अनबॉक्सिंग करूँ तो लेंस का कुछ इस तरह का लेंस निकल के आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ द लेंस, आपको डिटेल्स नज़र आ रही होंगी सारी। इसके अलावा इसका मैं होल्ड रिमूव कर लेता हूँ, तो दिस लेंस इज सो, मतलब सारा मेटल का बना हुआ है, तो काफ़ी एक स्मूथ सी फील दे रहा है ये।
और अगर बात कर ली जाए मतलब इसकी लुक की, तो मतलब यूज़ में भी होने के बावजूद कोई इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह, विच इज़ अ वेरी ग्रेट अगेन शॉर्ट आउट, और कोई इसके ऊपर मतलब फ्रंट के ग्लास के ऊपर भी कोई इसका नहीं है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बैक ग्लास पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो इंशाल्लाह इसकी मैं एक रिव्यू वीडियो इसी वीडियो के एंड पे डाल दूँगा, तो यू कैन आल्सो जज द क्वालिटी फ्राम देयर। तो बाकी इसके फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर बेसिकली अपर्चर के 7 ब्लेड्स हैं, नॉर्मली जो लेंस होते हैं उनके अंदर 9 ब्लेड्स होते हैं, लाइक जो मेरा भी सिग्मा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं सिग्मा 16mm, इसके अंदर 9 ब्लेड अपर्चर है, लेकिन इसके अंदर 7 ब्लेड, इतना कोई खास फ़र्क नहीं आता, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब हम रिव्यू बना रहे हैं तो वी हैव टू कवर दिस पॉइंट्स। इसके अलावा फोकसिंग, भाई ये मैंने ट्राई की थी, फोकसिंग नेक्स्ट लेवल, मतलब इतनी स्मूथ और इतनी तेज़ फोकसिंग, वो तो मिररलेस टेक्नोलॉजी भाई, वो तो है ही नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा OSS, इसके अंदर OSS अगेन ऑप्टिकल स्टडी शॉट, मतलब जो बिल्ट इन लेंस के अंदर थोड़ी सी आपको फॉर्मेलिटी मिल जाती है स्टेबलाइजेशन की, तो वो है। इसके अलावा 1.8 है, और 1.8 आपको जो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है, भाई मैं 50mm का फ़ैन हूँ, वर्सेटाइल लेंस है ना, इंडोर में आप यूज़ कर सकते हैं, लो लाइट में यूज़ कर सकते हैं 1.8 होने की वजह से, तो अगेन दिस इज़ द लाइक बेस्ट लेंस इन द बजट। इसका कंपटीटर 56mm है 1.4, लेकिन वो बजट से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, एंड दिस इज़ द बजट फ्रेंडली। ये नॉर्मली आज की प्राइस में 40,000 के नहीं आ रहे हैं, एंड आई गॉट इट फॉर 30,000। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके सैंपल आके आपको सिनेमैटिक्स में मिल जाएंगे। एज इज़ आउट, पीस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।